पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान आज खत्म हो चुके हैं और मतदाताओं ने इन उम्मीदवारों की तकदीरों का फैसला लिख दिया है, जिसे वोटिंग मशीनों में बंद कर मतगणना केंद्रों की तरफ ले जाया जा चुका है। इसी बीच अब राज्यों के मुख्यमंत्री बाहर आकर अपनी अपनी सरकारों को बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सामने आए और प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राज्य में हमारी सरकार फिर से आ रही है। देख टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है भैया? कितने एग्जिट पोल हुए? सात हुए, पांच से सात के बीच। सात एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन दो दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से, ठीक है? उससे और अधिक जाएगा, वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी कर सकते? ऐसा नहीं कर पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार रविवार 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।